मैं तो जब मुंबई से निकला था तो थोड़ा सा मैं देखना चाह रहा था कि आज का यूथ आता है कि नहीं आता यहाँ पे, लेकिन यहाँ का उत्साह देख के मैं जो है जितना सोच के निकला था उससे कहीं ज्यादा उत्साहित हो गया। एंड आज का यूथ है जो डीजे पे डांस करने वाला है वो इस ऑफबीट कार्यक्रम में अगर इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है तो ये सनातन की बहुत बड़ी जीत है। जो यहाँ पर सनातन को लेकर जिस तरीके से विवाद चल रहा है, यात्रा पर पथराव हुआ, फिर नवरात्रि में जिस तरीके से मांग हो रही है कि आधार कार्ड देखकर ही एंट्री दी जाए या फिर तिलक लगाकर ही एंट्री दी जाए, ये सब चीज़ें क्या कहेंगे? देखिए कहीं ना कहीं आज जिस तरह से इसराइल को हमास ने इस तरीके से अटैक किया एंड वो बार बार ये कह रहा कि हम तैयारी बहुत सालों से कर रहे थे, तो कुछ लोग जो समाज को तोड़ना चाहते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ तैयारियां करते रहते हैं। और ये जो कार्ड एंट्री है, ये तिलक है, इसके पीछे लव जिहाद का एक जो कार्यक्रम चल रहा है, अभी एक फिल्म भी आई थी कुछ साल पहले, अभी चल भी रही है थिएटर्स में कई जगहों पे, वो एक हमारे जो हिंदू कल्चर्स को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है, वो हमारे हिंदूज को तोड़ते हैं। मैं जो भी अभी एक जातीय समीकरण सेट हुआ है बिहार की राजनीति में, वो जातिगत समीकरण आया है, वो कुछ हुआ है, क्या नाम है, कितने हिंदू हैं और कितने मुस्लिम हैं और हिंदू में कितने हिंदू हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मुस्लिम जो संगठित हैं उनमें भी बहुत सारी जातियाँ हैं, उनकी भी जाति का प्रस्तुत करें। मैं किसी कास्टिज्म या किसी धर्म पे वो नहीं कर रहा हूँ, हिंदुइज्म को तोड़ के ऊट बटोरने की ये जो अनपढ़ नेता हैं वो एक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सनातन अब 2024 में प्रस्तुत हो रहा है। और सनातन पहले बहुत शांत था, लेकिन अब सनातन अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा है और ये सबसे पुराना धर्म है और ये अगर समझाएगा तो आप सोच सकते हैं कि जो इतने बड़े राष्ट्राध्यक्ष आए थे उन्होंने पहली बार जो है अगर आपको ध्यान होगा तो जो राजघाट पे गए थे उन्होंने चप्पल नहीं पहनी थी, तो ये बहुत बड़ी जीत है ये, वरना ऐसे राष्ट्राध्यक्ष उनके पैर में कंकड़ ना छुप जाएं तो वहाँ की जो सरकारें होती हैं वहाँ जो है फूल बिछा देती हैं। आज मोदी जी ने उनकी चप्पल भी उतरवा दी और वो सनातन धर्म से ये प्रेरणा उनको मिली है, तो इसलिए जो है सनातन को आगे बढ़ाना चाहिए। और ये जो अनपढ़ टाइप के लोग हैं जो सनातन पे विवाद करते हैं उनको सनातन पे थोड़ा पढ़ना चाहिए। ये देख रहे हैं ये यूथ है, ये और कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये शांत हैं, सुशासन में हैं एंड ये बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं। ये डिसिप्लिन अगर देखना है तो आपको ये सनातन में मिलेगा और सनातन ही पूरे वर्ल्ड को एक छत्र छाया के नीचे लेके आएगा। धन्यवाद। उमड़ रही है, संपूर्ण गुजरात के लोग आए हैं, एक संकल्प के साथ आए हैं, हम गुजरात को जिहादियों से, धर्मांतरण करने वालों से और लव जिहाद करने वालों से मुक्त कराएंगे और एक ऐसे गुजरात का निर्माण करेंगे जो संपूर्ण देश का मार्गदर्शन कर सके, जिसमें ये सामर्थ्य हो कि वो देश को रास्ता दिखाए कि जिहादियों से कैसे मुक्त हुआ जाता है। आज यही संकल्प लेने के लिए यहाँ पर लोग आए। आज कोई संदेश जाएगा संदेश तो जाएगा ही, गुजरात की पहचान जिहादी नहीं है, गुजरात की पहचान हमलावर नहीं है। अहमद शाह हमलावर था, लुटेरा था, इसलिए गुजरात की राजधानी का नाम अहमद के ऊपर होना अच्छा नहीं है, ये सही संदेश नहीं देता। इसका नाम तो कर्ण मुक्तेश्वर के नाम पर ही होना चाहिए और यही पूरे देश को स्वीकार होगा और यही गुजरात की जनता की मांग। सुरेंद्र जी, बहुत टाइम से ये मुद्दा चल रहा है, कर्णावती करने, अभी तो आज जनमानस एक साथ आवाज उठाएगा, सबको माननी पड़ेगी, सबको मानना पड़ेगा।